आप इमेजिन करिए कि किसी की 3.4 एंड 4.5 की दो स्टोन्स किडनी में थी और केवल 15 डेज की रेकी हीलिंग से वो स्टोन गायब हो गई पेट से विदाउट मेडिसिन ना, उस स्टोन विदाउट को उन्होंने मेडिसिन। सिर्फ रेकी के माध्यम से डिसॉल्व करके बाहर निकाला है। अगर वो मेडिसिन भी कोई लेगा तो 15 डेज में किसी भी मेडिसिन से स्टोन्स कभी भी बाहर नहीं आते हैं, उनको ईयर एंड ईयर मेडिसिन खाते रहना पड़ता है कि डॉक्टर कहता है भी खाते रहो पर थोड़ा आराम लगता है। बट केवल रेकी हीलिंग से ही वो स्टोन्स बिल्कुल गायब हो गई। विद इन ए वीक उनको दर्द बंद हो गया था, 15 और 20 डेज के बाद बिल्कुल दूर दूर तक कुछ नहीं था, बाद में चेक कराया तो नो स्टोन वर देयर। कहाँ गया स्टोन? जी, और सबसे बड़ा एक मिरेकल हुआ था कि मैंने शायद बताया भी था कि एक मेरे रिलेटिव में ही है, उस बच्ची को जब उसने कंसीव किया, फर्स्ट टाइम कंसीव किया, अभी शादी हुई थी उसकी, तो जब अल्ट्रासाउंड कराया तो बच्चे का योक सेक नहीं था, एंड योक सेक विदाउट योक सेक चाइल्ड कैन नॉट सर्वाइव। तो डॉक्टर ने कहा है तो बहुत परेशानी की बात है, मुश्किल है वो, तो उन्होंने तुरंत मेरे को कांटेक्ट किया कि मौसा जी ऐसा ऐसा है और आप प्लीज हीलिंग करिए। हीलिंग करना स्टार्ट किया 15-17 डेज के बाद, जो उनका टेन्योर था, क्योंकि 6 वीक के बाद जो कराया था उसमें यॉक्सिक नहीं था। उसके बाद जो नेक्स्ट तो उनको 3 वीक के बाद अल्ट्रासाउंड कराना था, जब वो कराया तो यॉक्सिक वॉज देयर एंड चाइल्ड वॉज कम्प्लीटली एकदम से बिल्कुल फिट फिट था, रिलैक्स था। और इमेजिन के अभी अब वो बेबी ने बर्थ भी ले लिया है और बिल्कुल एकदम हेल्दी है, क्योंकि वाओ। हील्ड हील्ड बच्चे हैं तो हेल्दी होगा ही, इतना हाँ, बढ़िया उसका वो रेकी है। बेबी हेल्दी होता है। रेकी बेबी इज जी ऑलवेज जी जी हेल्दी। या और अभी एक तो बड़ा मैं टिपिकल केस एक हैंडल कर रहा हूँ, दिल्ली से है वो, मेरी फ्रेंड थी, मेरे साथ पढ़ती थी, आज उसका बच्चा कुछ ट्रबल में है। तो हालांकि उन्होंने पूरी हिस्ट्री मुझे नहीं बताई थी, धीरे धीरे पता लगा कि जब वो 2.5 ईयर का था तब से उसको फिट पड़ने शुरू हो गए थे, तो वो पूरी तरह से मेंटली और इमोशनली इम्बेलेंस बच्चा है, और उसको एक धुन ये सवार हुई है कि एक